हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद स्पेशल रेसिपी नवाबी सेमाई। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप केवल 20 से 30 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे वाले सेवई लिए हैं, अगर आपके पास बड़े वाले हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास एट प्रेजेंट यही थे तो मैं इसी से बनाऊंगी। सबसे पहले एक बोल में 3 बड़े चम्मच चावल का आटा लें, फिर उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालें, साथ ही साथ इसमें 1 कप दूध डालें। यहाँ पे दूध रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। इधर यहाँ पे मैंने एक पतीले में 1/2 कप चीनी लिया है, साथ ही साथ उसमें 1 कप पानी डालेंगे और 1 चम्मच इलायची का पाउडर और कुछ केसर के धागे डाल देंगे। जैसे उसमें उबाल आने लगे इसको ऑफ कर देना है गैस को। तो चलिए अब हम सेवई को बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून घी डाला है, फिर उसमें सेवई को डाल दें और उसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भुने। गैस का फ्लेम एकदम लो रखें, एकदम लो फ्लेम में ही हमें ये करना है। इसे ज़्यादा लाल नहीं भूनना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनना है। इधर मैंने एक बोल में थोड़े से सेवई को निकाल के रखा है, उसमें 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, ये आखिर में गार्निश के वक्त काम आएगा। तो इधर सेवई भी अच्छे से भून चुका है, तो उसमें हम शुगर सिरप को डाल देंगे। जितना शुगर सिरप हमने बनाया था वो पूरा लग गया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे अच्छे से मिला लेना है, फिर इसे ढककर करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में होने देना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये बीच में से कट जा रहा है, यानी कि ये अच्छे से पक चुका है। थोड़ा और ड्राई करने के लिए मैं इधर इसे ढककर और 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में होने दूंगी। तो चलिए इसी बीच हम रबड़ी बना लेते हैं। तो मैंने एक पैन में करीब 1 लीटर दूध लिया है, साथ ही साथ मैं उसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालूंगी। जैसे दूध में उबाल आने लगेगा और थोड़ा सा दूध कम हो जाएगा तो मैं ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर इसमें डाल दूंगी। तो इसे डालते साथ ही आप गैस का फ्लेम एकदम लो कर दे और इसे कंटिन्यूस हिलाते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है और नीचे से लग जाता है। तो इसे कंटिन्यूस हिलाते रहिए। तो साथ ही साथ मैंने इसमें 1/4 कप चीनी डाला है। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी उतनी गाढ़ी नहीं हुई है, अभी भी रनिंग कंसिस्टेंसी है, हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। इसे कुछ देर और होने दीजिए। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं ये अच्छी से गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल हमें जैसी चाहिए वैसे बन चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इधर हमारी सेवई भी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम एक सर्विंग बोल में इसे सर्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लेयर सेवई को डाला है, इसे अच्छे से फैला दीजिए और इसे एक स्पैचुला से अच्छे से दबा दीजिए, इसमें कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर रबड़ी को डालेंगे, इसे चारों दिशाओं में अच्छे से फैलाना है। तो इसे पूरा मत भरिएगा क्योंकि इसके ऊपर हम 1 लेयर और सेवई और रबड़ी डालने वाले हैं। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाला है। तो चलिए इसी तरह दूसरे लेयर को भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही सेवई को डालें, उसे चारों दिशाओं में अच्छे से फैलाना है। यहाँ पे आपको अच्छे से दबाना नहीं है, जस्ट हल्का आप फैला दीजिए तो ही होगा। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा रबड़ी अच्छे से डाल दीजिए, कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए। और इसे मैंने गार्निश कर लिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो साथ ही साथ मैंने सबसे पहले जो सेवई को अलग निकाल के रखा था उसे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है।
इसे अच्छे से चारों दिशाओं में आप डाल दें तो इससे आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये तैयार है, अब हम इसे फ्रिज में करीब 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो 3 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो चुका है और हमारा नवाबी सेवई तैयार है। तो इसे काट लीजिए और सर्व कीजिए। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होगी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड डे।